नमस्कार, मैं प्रिया धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। सुमित्रा देवी काली पर अपनी टिप्पणी को लेकर विवाद में घिर गई हैं। उन्होंने पूछा कि क्या असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा लिखित रूप में बता सकते हैं कि कामाख्या मंदिर के पीठासीन देवता को क्या प्रसाद दिया जाता है। मोहित्रा ने कहा कि क्या अन्य भाजपा शासित राज्यों के सीएम वहां के मंदिरों में मां काली को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद के बारे में ऐसा कर सकते हैं? क्या शराब इन मंदिरों में नहीं चढ़ाया जाता? भाजपा मुझे नीचे गिराना चाहती है क्योंकि मैं इनके कुकर्मों का जमकर विरोध करती हूं, लेकिन मुझे पता है इनकी रणनीति काम नहीं करेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की मां विजयम्मा ने वाईएसआरसीपी के मानद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपनी बेटी का साथ देने के लिए यह फैसला लिया है। उनकी बेटी ने तेलंगाना में एक नई पार्टी बनाई है जहां विधानसभा चुनाव होने वाला है। राहुल गांधी के बयान को गलत संदर्भ में प्रसारित करने के मामले में टीवी एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। रोहित रंजन ने अपने खिलाफ दायर की गई एफआईआर के बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। इस पर अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत दे दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में आदेश दिया है कि डॉक्टर्ड वीडियो के मामले में रोहित रंजन को अगले आदेश तक हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। मलाइका अरोड़ा के फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते हैं। मलाइका अरोड़ा अपनी फिटनेस को लेकर भी खूब चर्चा में रहती हैं। इसके अलावा मलाइका के स्वैग को भी काफी फैंस खूब पसंद करते हैं, तो कभी वो ट्रोल भी होती है। इसी बीच मलाइका हाल ही में पेपराजी के कैमरे में कैद हुई तो अपने लुक को लेकर काफी ट्रोल हो गई है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली लगने से निधन की खबर को दुनिया ने स्तंभ कर दिया है और उनकी अचानक मौत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि उनका और मेरा कई सालों पुराना जुड़ाव था। मैं गुजरात के सीएम के दौरान से उन्हें जानता था। पीएम ने अपने ट्वीट में 9 जुलाई को राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को उनके खिलाफ यूपी में दायर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिन की अस्थायी राहत दे दी है। कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आदेश सीतापुर मामले से संबंधित है और जुबैर के खिलाफ किसी अन्य प्राथमिकी में असरदार नहीं होगा। आपको बता दें कि मोहम्मद जुबैर ने सीतापुर में दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी से बचने के लिए याचिका डाली थी। भ्रष्टाचार मामले में फंसे पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को जमानत मिल गई है। शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता की जमानत मंजूर की। सिंगला को 24 मई को पंजाब की भ्रष्टाचार रोधी शाखा ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार से पहले ही उन्हें मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाल ही में लाई गई सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर रक्षा संबंधी संसद की सलाहकार समिति के सदस्यों को सोमवार को जानकारी देते देखे गए हैं। इस समिति में सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों दोनों के सांसद रहने वाले हैं। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि हाल ही में शुरू की गई योजना के विभिन्न पहलुओं के बारे में समिति के सदस्यों को जानकारी देंगे और जिसके जरिए तीनों सेवाओं में सैनिकों की भर्ती की जाएगी। भारत में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। शुक्रवार को एक दिन में कोरोना वायरस के 18,815 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोविड से एक दिन में 38 मरीजों की जान चली गई है, जबकि 15,899 मरीज कोविड से ठीक होकर अपने घरों को लौट आए हैं। इधर देश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,22,335 हो गई है। रामबन जिले में आज कई स्थानों पर भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुई, जिसके बाद जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया है कि राजमार्ग पर विभिन्न स्थानों पर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं, जिनमें अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं को ले जा रहे वाहन भी शामिल है। कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले बृहस्पतिवार को विधायक जिग्नेश मेवानी समेत 7 नेताओं को अपनी प्रदेश इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के अनुसार मेवानी के अलावा विधायक ललित कागाथ्रा, विधायक ऋत्विक मकवाना और विधायक अम्बरीश डेर और विधायक हेमंत सिंह पटेल की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है। अगले 24 घंटे के दौरान केरल, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों और सिक्किम के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम एजेंसी स्काई मेट वेदर के अनुसार गंगे, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्सों, दक्षिण भारत, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों और उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारकों की 3 दिवसीय बैठक गुरुवार को राजस्थान के झुंझुनू में शुरू हुई है। बैठक में संघ के सर संघ चालक डॉ. मोहन भागवत भी भाग ले रहे हैं। संघ के एक प्रवक्ता ने बताया है कि बैठक के पहले दिन प्रांत प्रचारकों ने अपने अपने कार्यक्षेत्रों की वास्तविक स्थिति की जानकारियां और अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि यह संघ की वार्षिक बैठक है।
प्रवर्तन निदेशालय ने चीनी स्मार्टफोन वीवो और उसके जुड़े हुए 23 कंपनियों पर छापा मारा है और 62 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। ईडी ने गुरुवार को कहा कि चीनी स्मार्टफोन विनिर्माता वीवो की भारतीय इकाई ने यहां पर कर देनदारी से बचने के लिए अपने कुल कारोबार का लगभग 50% हिस्सा यानी 62,476 करोड़ रुपए विदेश में भेज दिए हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा है कि वीवो इंडिया ने भारत में कर देने से बचने के लिए अपने राजस्व का बड़ा हिस्सा चीन और कुछ अन्य देशों में भेज दिया है। भारत दिसंबर में G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। विदेश मंत्रालय G20 के बैठक को लेकर सक्रिय हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार बैठक नई दिल्ली के कई राज्यों में आयोजित की जाएगी। इस संबंध में विदेश मंत्रालय ने सभी राज्यों को भी पत्र लिखा है। पत्र में राज्यों से विश्व स्तरीय बैठक करवाने की व्यवस्था के बारे में पूछा गया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार संघर्ष शासित राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी G20 देश बैठक का आयोजन किया जा सकता है। चीनी वायुसेना के विमान ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पूर्वी लद्दाख सेक्टर में बहुत करीब से उड़ान भरी है। ये घटना जून के अंतिम सप्ताह की है, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने भी तेजी से प्रतिक्रिया दी है। सूत्रों ने बताया है कि जून के अंतिम सप्ताह में एक दिन सुबह लगभग 4 बजे ये घटना हुई, जब विमान को देखा गया। साथ ही ये सीमा क्षेत्र में लगे स्वदेशी रडार की पकड़ में आ गया है। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के एक प्राइवेट स्कूल में एक बड़ा हादसा हो गया। सेक्टर 9 स्थित कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में एक विशालकाय पेड़ टूटकर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से एक छात्रा की मौत हो गई है, जबकि कई बच्चे भी इसकी चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस वक्त स्कूल में लंच टाइम चल रहा था और बच्चे खेल रहे थे। शिंदे गुट के बगावत के बाद सुप्रीम कोर्ट शिवसेना के धनुष और तीर के निशान को हटाने की कोशिश करेगा। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने लोगों से कानून के लिए लड़ने की अपील की है, लेकिन दुर्भाग्य से अगर शिवसेना को कानून की लड़ाई में नया चुनाव चिन्ह मिल गया तो वो इतने कम समय में घर कैसे पहुंच सकती है। वो गुरुवार को पोतिश्री में शिवसेना पदाधिकारी और शिवसैनिकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। संजय पांडे के रिटायर होते ही उन्हें ईडी ने तलब किया है। सीबीआई ने पांडे के खिलाफ 3 नए मामले दर्ज कर लिए हैं। सीबीआई ने शेयर मार्केट के कर्मियों की अवैध रूप से फोन टैपिंग के मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे और एनएसई के पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्ण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। राज बब्बर को कोर्ट ने यह सजा 26 साल पुराने एक मामले में सुनाई थी। उस वक्त राज बब्बर सपा के प्रत्याशी थे। आरोप था कि लखनऊ के वजीरगंज में उन्होंने चुनावी अधिकारियों से मारपीट की थी। मतदान अधिकारी ने इसकी एफआईआर 2 मई 1996 को दर्ज कराई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद बिनॉय विश्वम ने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखकर पिछले कुछ हफ्तों में हुई कई तरह की घटनाओं के मद्देनजर उड़ान कंपनियों की खराब और गंभीर सुरक्षा स्थितियों पर चिंता व्यक्त की है। नागर विमानन महानिदेशालय ने पिछले 18 दिनों में स्पाइसजेट के विमानों में 8 बार तकनीकी खराबी पाए जाने के बाद बुधवार को उससे कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भारतीय अमेरिकी सांसद रॉ खन्ना ने रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद को लेकर भारत को दंडात्मक CAATSA प्रतिबंधों से छूट दिलाने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक संशोधन विधेयक पेश किया है। उन्होंने दलील दी है कि इससे अमेरिका और भारत के बीच रक्षा संबंध मजबूत होंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री रामदास अठावले ने उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाए जा रहे समान नागरिक संहिता कानून का समर्थन करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार भी इसे जल्द ला सकती है। अठावले ने कहा है कि 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू होने के बाद से लोगों की मांग है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की भूमिका है कि अगर लोगों की मांग है तो समान नागरिक संहिता होनी ही जरूरी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर आई है। अगर आप भी बैंक के कस्टमर हैं तो तुरंत अपने अकाउंट को चेक करें। बैंक ने बड़े पैमाने पर उन खातों को फ्रीज किया है जिन खातों को KYC नहीं कराई गई है। ऐसे खातों को बैंक ने अस्थायी रूप से फ्रीज कर दिया है और अब कस्टमर किसी तरह की लेन देन नहीं कर सकते हैं। ऐसे में ग्राहकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय सेना ने सैन्य अधिकारियों को सैटेलाइट कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग के उद्देश्य से स्टूडेंट सैटेलाइट के लिए प्राइवेट कंपनियों से टेंडर प्रक्रिया के जरिए जानकारी मांगी है। इस बाबत भारतीय सेना ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी की है। सेना के मुताबिक मध्य प्रदेश के महू स्थित मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में सैन्य अधिकारियों की ट्रेनिंग के लिए स्टूडेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट की जरूरत है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा पिछले कई सालों से भारत में हैं, जहां से वो पूरी दुनिया में अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करते आए हैं, लेकिन चीन हमेशा से इस बात का विरोध करता आया है। भारत के दलाई लामा को शरण देने को लेकर चीन कई बार आपत्ति भी जता चुका है। वहीं अब पीएम मोदी के एक ट्वीट ने ड्रैगन को मिर्ची लगाने का काम किया है। दरअसल 6 जुलाई को दलाई लामा का जन्मदिन था। इस मौके पर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी तो चीन तिलमिला उठा। केरल से महज 30 रुपए का टिकट खरीदने वाले शख्स की किस्मत अचानक चमक गई। 30 रुपए का टिकट खरीदकर कई लोग मालामाल हो गए हैं। केरल के राज्य लॉटरी विभाग के करुणिया प्लस के N-428 के लिए लॉटरी परिणाम की घोषणा कर दी गई है। पहला पुरस्कार जीतने वाले विजेता को 80 लाख रुपए का इनाम मिलेगा।
दुनिया की पहली फिल्म 1888 में ब्रिटेन में बनी है। महज 2.11 सेकंड्स की, नाम था राउंड हे गार्डन सीन, लेकिन ये 3 सेकंड से कम की मोशन मूवी एक बड़ा आविष्कार थी। बनाने वाले भी कोई फिल्म डायरेक्टर नहीं, वैज्ञानिक थे फ्रांस के लुइस लीप्रिंस, जिन्होंने 2.11 सेकंड की इस मोशन फिल्म में से ये शुरू हुआ। फिल्मों का सफर आज सालाना 5 लाख फिल्मों पर दुनिया भर में पहुंच गया। अकेले भारत में सालाना 2400 फुल लेंथ 2 घंटे की ज्यादा की फीचर फिल्में बनती है। उत्तराखंड के रामनगर में आज एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर्यटकों से भरी एक कार ढेला नदी में तेज बहाव में बह गई। घटना की सूचना मिलते ही SDRF की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। जानकारी के अनुसार कार में सवार 10 लोगों में से 9 के शव बरामद किए जा चुके हैं, वहीं एक बच्ची को सकुशल बचा लिया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद बिनॉय विश्वम ने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखकर पिछले कुछ हफ्तों में हुई कई तरह की घटनाओं के मद्देनजर उड़ान कंपनियों की खराब और गंभीर सुरक्षा स्थितियों पर चिंता व्यक्त की है। बता दें कि नागर विमानन महानिदेशालय ने पिछले 18 दिनों में स्पाइस जेट के विमानों में 8 बार तकनीकी खराबी पाए जाने के बाद बुधवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है, उनके नाम है आकाशदीप, नन्नू कुमार, नजमा खातून, संदीप कुमार, क्रिकेट फैंस, सिद्धार्थ कुमार, नित्या यूट्यूबर, सुमन सौरभ, राजकुमार पंडित, श्रवण कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले T20 मुकाबले में भारतीय टीम को मिली जीत का श्रेय आप किसे देंगे? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।